दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस केस में ईडी आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के समान मान रही है। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल को कंपनी के सीईओ के रूप में जिम्मेदार ठहरा रही है। बुधवार को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई में ईडी ने दलील दी कि राजनीतिक दल लोगों का समूह होता है। केजरीवाल अपने पद के कारण उसे चलाने के लिए जिम्मेदार थे। वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक थे। सभी फैसले वो लेते थे। अगर कंपनी कोई अपराध करती है तो वो जिम्मेदार हैं। कंपनी का मतलब आम आदमी पार्टी। दिल्ली की नई शराब नीति की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। As defined under the PMLA Act. PMLA Act में कंपनी है ना, कंपनी की जो डेफिनेशन है इट्स अ वाइड डेफिनेशन। इट आल्सो इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंडिविजुअल्स। आम आदमी पार्टी इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। कोर्ट में ईडी ने अपनी दलील में आम आदमी पार्टी को कंपनी बताया और अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने जैसे आरोप लगाए। ऐसे अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आते हैं। पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों की तरफ से किए गए अपराध पर कार्रवाई के लिए है। ये धारा उस समय लगाई जाती है जहां ये साबित हो जाता है कि उल्लंघन किसी कंपनी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी दूसरे अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ है। कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के बीच हुई जबरदस्त बहस के बाद अब दिल्ली में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है तो वहीं आम आदमी पार्टी तमाम आरोपों को सिरे से नकार रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, ईडी ने उनके इंडिविजुअल के खिलाफ भी और आम आदमी पार्टी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सेक्शन जो 70 है पीएमएलए का वो इन्फोर्स किया गया है। सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप झूठे साबित होंगे। संजय सिंह की बेल ये दिखाती है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। जिस तरह से ईडी शराब घोटाला मामले में घेरेबंदी कर रही है, उसे देखकर तो लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुश्किल कम नहीं होने वाली है।